अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं देसी गेमर। मेरा नाम सुब्रत है और इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं ये। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और आज स्मैकडाउन, मेरा स्मैकडाउन का दूसरा एपिसोड जा रहा है, आज तो चार एपिसोड होगा टोटल। तो आज हम टैग टीम का मैच करेंगे, जो कि आपको पता है एक टैग टीम रॉ की तरफ से तो आगे जा चुकी है, लेकिन स्मैकडाउन ले बॉयज और स्मैकडाउन की तरफ से अभी कोई नहीं गई। तो आज हम टैग टीम का मैच करेंगे और अमेरिकन अल्फा और द क्लब के दरमियान मैच होगा, और उन दोनों जो जीतेगा वो ड्यूटल बैट से खेलेगा एक्टिव रूल्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो अब हम चलते हैं टैग टीम के मैच के लिए। स्मैकडाउन की टैग टीम के चैंपियनशिप के नंबर टेन का मैच हो रहा है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन अल्फा है। मतलब एंट्री करते हुए लेकिन अकेले आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, कुछ लगता है मसला हो गया है। कोई अनबन तो नहीं हो गई आपस में? मूड भी नहीं अच्छा लग रहा लू क्या इस वक्त लू कह रहा। बाकी अकेले अकेले ही एंट्रेंस देख लेते हैं हम। कमेंट्री भी ओ मतलब के अलग अलग एंट्री करना चाह रहे थे दोनों, इसलिए हट म्यूजिक वही है। म्यूजिक वही है तो इसके बारे में तो मैच में पता चलेगा ये क्या ये सही मूड में है या खराब मूड में है। ओह मैच के आगाज में आते साथ ही किक पड़ी सर के ऊपर। डोमिनेट स्टार्ट कर रहे हैं लूक गैलर्स इस मैच का। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अमेरिकन अल्फा को जीतने के लिए, तो बड़े भारी भरकम इंसान दो नोबल इंसान सामने हैं उनके, और काफ़ी अच्छा ही रिवर्सल का ही मैच हो रहा है अभी तो। बाजू पर है बड़ी जोर का, और ये ओ, 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 नहीं लगी काफी फासले पे थे लू गैलर्स, शायद फासला उनको सिटी सिटी भाई तीन होते हैं हर बंदे के पास, लेकिन ब्लॉक को ब्लॉक के पास ही है। ओ अच्छा रिवर्स किया, काफी कोशिश की थी गेबल ने। घुटने मारे घुटने के ऊपर। और फिर से उसकी के ऊपर, लेकिन टैग गेबल के पास टाइम था लेकिन वो फिर भी टैग करने के लिए, लेकिन लूक गैलर्स कोई मौका नहीं दे रहे टैग गेबल को, किसी तरह से मौका नहीं मिल रहा टैग गेबल। और ये रिवर्स और क्या ही आखिरकार टैग गेबल को थोड़ा टाइम मिल गया, लेकिन वो टैग के लिए नहीं गए और इसका भारी टॉन्ट कर रहे हैं लेकिन टैग के लिए नहीं गए, और इसका बिल्कुल भारी हम कुछ नहीं कह सकते अभी,
अगेन बट नो बहुत मिस कर रहे हैं और रिवर्स फिर से चैट गेबल के पास एक मौका ओह माय गॉड ओए भाई ओह इतने ऊंचे कट से ऐसे लगा जैसे बाहर गिर जाएंगे और चैट गेबल पूरी कोशिश कर रहे ओह लूक गैलोस पार्टनर को भी बाहर गिरा दिया और बिल्कुल भी नहीं वो मौका देखना चाहते कि बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं है चैट गेबल के पास ये ताकत कम जा रहा कह रहे हैं चैट गेबल फिर से रिवर्स लेकिन क्या इस वक्त होते हुए और इन होते हुए ओ नहीं लूज गया लोग अपने सिग्नेचर के लिए और ये सिग्नेचर चॉक्स ने वो काफी ताकतवर मूव थी और पिन के लिए फौरन गए वन टू ओ लूज गया लोग ने पिन छुटवा दी उनके साथी ने खुद ही पिन छुटवा दी और उसका फायदा दोनों बंदे रिंग में लेकिन बट वो भाई जा रहे हैं वो भाई जा रहे हैं वो इस चीज से ना जाए ओ मैदान बहुत गिरने का शौक है आपको आज ओरे हो गया आपको कर लिया और ये क्या कर रहे हैं ओ सुमिशन सबमिशन काफी अलग तरीके से सबमिशन लगाई बट कोई फायदा नहीं लेकिन अब इस लुक गया टांग पे ओह ताकत का मुजाहरा कमर पे उनके किसी तरह कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से लुक गया को मैं पकड़ लूं और कहीं से चीप कर दूं और इसका फायदा उठा लिया है सुप्लेक्स की बात आई तो और मार भी दिया है टांग बहुत बुरी लगी होगी इसी पे लेकिन लूक गैलोस रास्ते में है टैग के वो टैग दे ही करने चाह दे रहे क्या करना चाह रहे हैं ये चाहे जोर का फेंटा ओह पीछे से टांग पे और टैग फाइनली हो गया जिसका बहुत देर से इंतजार था और जॉर्डन काफी गुस्से से अब इनके अंदर आएंगे ओह काफी गुस्से में लेकिन टैग गेबल सुप्लेक्स सिटी क्लियरली मारी है लुक गैलोस को जॉर्डन ने काफी गुस्से में और जॉर्डन अब क्या करेंगे लुक गैलोस काफी थके हुए लग रहे हैं और जॉर्डन लेकिन अपनी फुल ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त काफी अच्छी रॉयल एंडरसन को भी उन्होंने मारा बदला ले रहे हैं कि उसने मुझे मारा तो मैं भी मारूंगा क्या करना चाह रहे हैं लुक गैलोस क्या करना चाह रहे हैं लुक गैलोस कुछ उल्टा ही सीन हो गया वो अभी अच्छी मूव तब जॉर्डन ओ टांग मिस की बट किसी तरह से भी मौका नहीं छोड़े दे रहे उसको लुक गैलोस को कि वो किस तरह इन कर ले गेम में मतलब कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस अकलमंदी थी उसकी जॉर्डन की कैसे मतलब क्या सोच रहे हैं ये ओ बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बहुत बेइज्जती कर रहे हैं लुक गैलोस की जॉर्डन लुक गैलोस भी डरने से नहीं है वापस खड़े होकर टांगों के दरमियान फाइट खड़े होने में थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन वो दोबारा फाइट और ये काफी जोर से इस वक्त लोग गया उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं सही और ये ओ मुक्का मारने गिराने की कोशिश में थे लेकिन मिस हो गए मैच की कार्ल एंडरसन को मैच में आने की बहुत जरूरत है लेकिन चाह रहे के पहले गिरा दिया और गिरा दिया बाहर लूक गैलोस को इस वक्त जरूरत है टैग की और वो अपने साथी को बुलाए और ये और सिग्नेचर जैसे दोनों ने सिग्नेचर मार दिया और ये
थोड़ा लेकिन पिन के लिए नहीं गए और क्या करेंगे, पिन के लिए नहीं गए, रस्सियों में फेंका और वापस आए और ओ लू गैलस को सब फिनिशिंग के लिए बस की बहुत सीधी जरूरत है, क्या करेंगे वो बस कर लिया फिनिशर मारने लगे थे और वो भी टांग भी लेकर और यार अगेन रिवर्स और वो अगेन मैच में वापस आ गए और टैग की बॉल रिवर्स पे रिवर्स टैग की बॉल रिवर्स लेकिन टैग के लिए नहीं जा रहे और ये क्या कर रहे हैं फिनिशर है और ये तो ओह माय गॉड अंडरटेकर की मूव है सॉरी अंडरटेकर का फिनिशर और पिन के लिए जा रहे हैं वो वन टू थ्री वन लोग गैलोस अकेले कोई टैग नहीं कोई टैग नहीं किसी की कोई जरूरत अकेले आगे चले गए अंडरटेकर की मूव इस्तेमाल करके ये तो बड़े चौक स्लैम भी अंडरटेकर का मूव ये तो पूरी अंडरटेकर ये वो पहली चीज तो एक तो एंट्री अलग अलग की अलग अलग की दूसरी कोई टैग नहीं किया और मार भी कितनी खाई और मार भी खाई जब लेकिन एक टर्निंग मोमेंट था जो फिनिशर रिवर्स किया हाँ उसके बाद में वो जो और फाइनली टैग टीम की दो फाइनल टीमें पता चल गई हमें जो टैग टीम के लिए खेलेंगी टैग टीम डुडले बॉयज और द क्लब एक्सट्रीम रूल्स में आपको नजर आएंगे टैग टीम के लिए खेलने के लिए लूक गैलो जो कार्ल एंडरसन का आपस में थोड़ा नहीं था लेकिन उसको खुशी है इस चीज पे जो जीत गए हैं और आपस में खुशी मना रहे हैं बाकी जी गाइस अब अगले मैच की तरफ चलते हैं और जो अगला मैच हमारा है वो है WWE चैंपियनशिप के लिए जो क्वालिफाइंग करेंगे तो रोमन तो आगे जा चुके हैं अब हमारा मैच है डीन एम्ब्रोस वर्सेस सेजारो के दरमियान और शेमस उनका एज अ जनरल मैनेजर साथ आ रहे हैं तो चलते हैं अगले मैच की तरफ ओके डीन एम्ब्रोस रिंग में आ चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के करीब आने के लिए और फाइनली सेजारो एंट्री कर चुके हैं शेमस के साथ आ रहे हैं फेमस उनको एज अ मैनेजर इस मैच में सपोर्ट करेंगे रिंग के साथ बड़ा एडवांटेज होगा सेजारो को इस चीज का फेमस के सपोर्ट में है फेमस कमर के ऊपर जोर डालते हैं सर पे मुक्का मार एम्ब्रोस ने मौका ले लिया वापस और एम्ब्रोस की बारी सेजारो ने स्टार्ट किया लेकिन एम्ब्रोस ने उसको फिनिश किया सेजारो बिल्कुल ओहो काफी दूर सेजारो कम ऑन और ये फासला अबूर कर लिया सेजारो ने दूर थे लेकिन उन्होंने अच्छी फ्लाइंग मूव की जी सिजारो कौन सी मूव मारे लगे हैं पावर बॉम्ब मारा है सीजेसी वो बता रहे हैं कि हम स्विंग के साथ इस मैच को खत्म करेंगे लेकिन अभी नहीं oh,
खतरनाक रिवर्स था और डीन एम्ब्रोस रिंग के अंदर कम बैक करते हुए डीन एम्ब्रोस सेमस बाइक खड़े देख रहे हैं किस तरह रिवर्स डीन एम्ब्रोस का रिवर्स सिजारो का रिवर्स सिजारो का रिवर्स सॉरी सिजारो का घूमता हुआ स्पेशल मूव है कॉम्बिनेशन मूव्स का टॉन कर रहे हैं डीन एम्ब्रोस इस दफा रिवर्स के आगे रिवर्स ना करता है सिजारो इस दफा कर लिया काफी रिवर्सल और ये फायदा दोनों ने एक साथ लंग मारी थी मुक्के भी आ गए थे डीन एम्ब्रोस चार्ज हो रहे हैं मैच के लिए अब क्या करेंगे डीन एम्ब्रोस ओ ये डीन एम्ब्रोस का मूव पुराना फिनिशर है डीन एम्ब्रोस का ना पुराना फिनिशर मारा और ये डीन एम्ब्रोस की बारी टॉन्ट करने की जारो तो अपने करीब ले आ चुके हैं तकरीबन और काफी कोशिश कर रहे हैं सिजारो लेकिन फिर तरह लेकिन डीन एम्ब्रोस फिर अंदर रिंग में अपने आप को संभालते हुए अपने मोमेंटम नहीं जाने दे रहे जो उन्होंने बनाया है ओ ओ ओ ओ ओ सबमिशन मूव लेकिन रस्सियों में सबमिशन मूव और ये डीन एम्ब्रोस का सबमिशन मूव लेकिन ये क्या है ओ कोशिश ओ आशीष जारी कि नहीं ओ सिजारो को बिल्कुल काफी डैमेज कर चुके हैं इस मूव के बाद और ये सुप्लेक्स के लिए क्योंकि ये मूव आपको पता है काफी लोगों के पास बहुत पॉपुलर मूव है इसको मारने में कोई मसला नहीं क्या करेंगे डीन एम्ब्रोस रिवर्स कर लिया सिजारो ने ये चीज क्या ओ ओ अपर कट लेकिन बोला जी ये ड्रॉप के फाइनली सिजारो रिवर्स करके की जो गेम थी उसमें सिजारो जीत गए सिजारो काफी भरपूर और ओह माय गॉड सिग्नेचर मार दी और सिजारो अब उस चीज के लिए तैयार है जो शुरू में उन्होंने किया था कि हम करेंगे और वो सीरियसली नो सिजारो नो डीन एम्ब्रोस को रिंग के सेंटर में ला रहे हैं और अब वो उस चीज को मारने के लिए तैयार हो रही है उठा लिया ओ घुमाना शुरू कर दिया 1 2 3 घुमा ही जा रहे हैं मुस्तकिल काफी खतरनाक है ये डीन एम्ब्रोस के लिए बाकी काफी खतरनाक हो सकता है ये और रेफरी भी चकरा गए थे और पिन 1 2 3 काफी क्लोज थे सिजारो स्ट्रीम के बाद मैच जीतने के लिए किक आउट फाइनली कर दिया सिजारो अब मैं अपना मोमेंटम नहीं लूज करना चाहते और माय गॉड सेमस की इस वक्त बहुत सीरियस हो रहा है कि सेमस की मदद कर दे इस वक्त शायद सिजारो को खुद ही रेफरी उठ गया स्टैमिना अपना क्लियर कर चुके हैं बहुत जल्दी सिजारो की शायद सिजारो कुछ खराब कर देते फिनिशर के बाद ओ और डीन एम्ब्रोस ओ और डीन एम्ब्रोस अपना मूव मार के और डीन एम्ब्रोस ने सिग्नेचर लगा दिया सिग्नेचर सबमिशन मूव है ये उनका पुराना सबमिशन मूव है जो पहले लगाया करते थे काफी मुसीबत में सिजारो और ये काफी ले सिजारो
वापस अपना कर पर शेमस शेमस रेफरी के व्हाट इज दिस मुकाबला कर रहा है कि उसको साइड पे लेकिन डी रैम ने इसका पीछे नहीं हटेंगे ओ शेमस को मारने आते लेकिन साइड पे हो गए शेमस और वो खुद ऊपर चल जाए और ये ओ कमर के ऊपर डी ने उसको खुद भी लग गई है ओ ओहो यारो को ज्यादा लगी हुई है तो सी वो जल्दी और शेमस 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 का फिर स्ट्राइक करते हुए फिर से डिस्टर्ब करते हुए सिजारो क्या इसका फायदा उठाएंगे और ये कमाल और ये क्या ओ माय गॉड मैन ओ माय गॉड रेफरी ओ रेफरी बीन हम लोग रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं ओ ओ दोनों इकट्ठे जा रहे थे मुक्के के लिए काफी गुस्सा चढ़ चुका है डीन एम्ब्रोस को अपने मोमेंटम वापस लाते हुए डीन एम्ब्रोस का करना चाह रहे हैं ओह टॉप इज द फॉर्मिडल ऑफ से मूव गया शेमस की वजह से काफी गुस्सा चढ़ा है शेमस को डीन एम्ब्रोस को लेकिन सिजारो काफी पिन लगाई थी लेकिन रॉक रस्सियों की वजह से होगा नहीं इस चीज का फायदा उठा पे और दोनों अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे किसी तरह वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में जा सके जा सके और डीन एम्ब्रोस को कोशिश कर रहे हैं कि वो खड़े हुए और ताकि उन पे वो और पूरा फायदा उठाकर बड़ी पार्टनरशिप चल रही है शेमस और सिजारो की इस वक्त और सिजारो अब चार्ज होना चाह रहे हैं और डिसएडवांटेज है एम्ब्रोस के लिए तो शेमस आता है शेमस आता है लेकिन सिजारो को बहुत फायदा अगेन सिजारो पूरा सही तरह नहीं लगा पाए लेकिन लग गई और ओह डीन एम्ब्रोस पर हुआ कमबैक करते हुए कमबैक करते हुए और फिनिशर अचानक फिनिशर मारा और अचानक फिनिशर मारा और पिन के कम ऑन रेफरी शेमस खुश कम ऑन और ओ शेमस ने रेफरी को रोक लिया डीन एम्ब्रोस इससे बिल्कुल ना खुश और डीन एम्ब्रोस गुस्से में और रेफरी ने शेमस को मैच से बाहर कर दिया लेकिन डीन एम्ब्रोस जो कि इससे डिस्ट्रैक्ट हो चुके थे तो सिजारो इसका पूरा पास ओ लेकिन रेफरी ने शेमस को बाहर कर दिया रेफरी ने अब मैच के डीन एम्ब्रोस मारने के लिए आ ही रहे थे लेकिन रेफरी को जब डिस्ट्रैक्ट किया तो बिल्कुल रेफरी ने कर दिया अब मैच क्लियर हो गया है बिल्कुल और डीन एम्ब्रोस का हाथ भारी है इस वक्त हो सकता है अब एम्ब्रोस का कोई फायदा उठा सके इसका क्योंकि शेमस अब जा चुके हैं और ये कोने में फेंके हैं डीन एम्ब्रोस अब क्या करेंगे काफी अच्छी मूव्स का मुजाहरा और डीन एम्ब्रोस काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं जी शेमस पे इसका फायदा उठाया जाए रिवर्स कर लिया डीन एम्ब्रोस ने और सिजारो के आसपास इस पर फायदा नो काफी अच्छा रिवर्स कर ओ फंसे लेकिन एम्ब्रोस ने बता दिया है कि अब तुम अकेले हो गए हो अकेले हो गए काफी इसका लॉस करना पड़ेगा डीन एम्ब्रोस क्या करना चाह रहे डीन एम्ब्रोस रस्सी की तरफ फेंक कर क्या करना चाह रहे हैं डीन एम्ब्रोस अपना और ये ओह माय गॉड और ये क्या ओह माय गॉड सिजारो का मुक्का लेकिन ये तो मुक्के की रस्सी से लग के वापस आके और काफी अच्छी अब दोनों काफी पॉपुलर मूव जो है डीन एम्ब्रोस की मारी है और अब फिनिशर पे फिनिशर की तरफ जा रहे हैं क्या ये आखिरी फिनिशर होगा मैच का डीन एम्ब्रोस और फिनिशर लग चुका है बावजूद सीरियसली
सर पटने के बावजूद मैं किक आउट कर दिया। अभी तक वो मूव में नहीं आ सके लेकिन फिनिश ऐसे बच गए। अभी मैच उन्होंने कहा कि चांस है उनके पास होगी एम्ब्रोस को इस किक आउट से। मतलब डीन एम्ब्रोस फिर से सिजारो को सोच रहे हैं कि वो क्या करें अब। लेकिन सिजारो काफी अच्छा मुजाहरा किया है सिजारो ने। और ये माय गॉड सबमिशन के लिए फिर से साइड। ओ डीन एम्ब्रोस काफी कोशिश कर रहे हैं। ओ सिजारो अकेले आगे जा चुके हैं डब्ल्यू ई के लिए। सिजारो आगे कर चुके हैं। सेमस उनका साथ छोड़ गए तो छत भी फट गया उनका के बावजूद भी। के बावजूद वो बस उन्हें एक मूव चाहिए थी डीन एम्ब्रोस को हराने के लिए। काफी सरप्राइजिंग और सबमिशन जैसे कि बहुत खतरनाक होती है। टू के 16 की गेम है वो डीन एम्ब्रोस से बच ना पाए। काफी कोशिश की डीन एम्ब्रोस ने अपनी दो जो फिनिशर मारे फिर बाहर से और डिस्ट्रैक्ट किया शेमस ने यहाँ पे रेफरी को यहाँ पे जिसकी वजह से शेमस को बाहर जाना पड़ा। डिस्क्वालीफाई हो गया सर। और ये दूसरा फिनिशर जिससे सर फट गया उसके बावजूद भी किक आउट किया। काफी सरप्राइजिंग सिजारो रोमन है इसको कब ज्वाइन करेंगे वर्ल्ड हेवी चैंपियनशिप के मैच में क्योंकि ट्रिपल थ्रेट है और फिर एक और कंटेंडर आएगा। और ये वो सबमिशन जहाँ पे डीन एम्ब्रोस कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या है उनके साथ और उनको टैप आउट करना पड़ा। सिजारो इसी तरह सिजारो आगे जा चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में। ट्रिपल थ्रेट के लिए अब एक बंदा रह गया सिर्फ आगे जाने के लिए वो अब आपको आगे बता देंगे। इस पे सिजारो आगे जा चुके हैं इसी एपिसोड खत्म होती है। इसके साथ उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी वीडियो पसंद आए अच्छी लगे और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल हमें इजाजत दें। हेलो।